महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन का खिताब मुंबई इंडियंस ने अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है। इस मुकाबले में मुंबई की तरफ से शानदार गेंदबाजी देखने को मिली। उसके बाद बल्लेबाजी में इंग्लैंड की नेट सीवर ब्रंट ने आखिरी तक मोर्चा संभाला और टीम को चैंपियन बनाने तक क्रीज पर डटी रही। WPL के ऐतिहासिक पहले सीजन में कई दमदार प्रदर्शन देखने को मिले। इस सीजन में ऑरेंज कैप, पर्पल कैप से लेकर इमर्जिंग प्लेयर तक हर अवार्ड के लिए कठिन दावेदारी थी, लेकिन अब यह लिस्ट पूरी हो चुकी है और उनकी प्राइज मनी भी सामने आ चुकी है। दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेग लैनिंग फाइनल में जरूर हार गईं, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में कुल 345 रनों के साथ ऑरेंज कैप अपने नाम की। वहीं चैंपियन मुंबई इंडियंस की हेली मैथ्यूज को सर्वाधिक 16 विकेट के लिए पर्पल कैप मिली। उसके अलावा भारत की विकेटकीपर और बल्लेबाज यस्तिका भाटिया को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच नेट सीवर ब्रंट को चुना गया, जिन्होंने मैच विनिंग पारी खेली। वहीं मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर को कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड मिला, जो उन्होंने यूपी वॉरियर्स के खिलाफ 15वें मैच में पकड़ा था। वहीं अगर मैच की बात की जाए तो पहले खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 9 विकेट पर 131 रन बनाए थे। एक समय टीम की हालत इतनी बुरी थी कि 70 रनों पर उसने 7 विकेट गंवा दिए थे। अंत में शिखा पांडे और राधा यादव ने टीम को संभाला और स्कोर को 131 रन तक पहुंचाया। जवाब में मुंबई की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और यस्तिका व मैथ्यूज दोनों पवेलियन लौट गयी। उसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्टार बैटर सीवर ब्रंट ने तीसरे विकेट के लिए 72 रन जोड़े और स्कोर को 95 तक पहुंचाया। यहां से मुंबई की जीत पक्की लग रही थी, लेकिन उसी समय हरमनप्रीत कौर रन आउट हो गयी। इसके बाद मैच एक बार फिर से फंसता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन नेट सीवर ब्रंट ने नाबाद 60 रन और मेली कर ने 8 गेंदों में 14 रन बनाकर टीम को आसान सी जीत दिला दी।